इस बुक का लोकार्पण कब हो रहा है सर? लोकार्पण हमने शब्द नहीं दिया है, कार्ड मेरा छप गया है 20 तारीख के लिए। जो इस फंक्शन का नाम दिया गया है वो है अनबाउंडेड पर परिचय। बिहार के उस समय के DGP अभयानंद थे। जल्द ही उनकी आत्मकथा आने वाली है जिसमें वो विस्तार से इस घटना के बारे में बात करते हैं। बिहार पुलिस की पीठ भी थपथपाते हैं कि किस तरह से हमने विद इन 24 आवर्स पूरी कंस्पिरेसी को डिस्क्लोज कर दिया था और जो बम नहीं फटा था उसके बारे में भी पता कर लिया था, गिरफ्तारियां भी हो गई थी। NIA को सिर्फ डॉट्स जोड़ने का काम हो जाता है तो लोग फिर परेशान हो जाते हैं पुलिस वाले की, अब तो बेल हो गया। लॉ में बेल कैंसिल करने का भी प्रावधान। क्या लगता है सर, आज डिजिटल युग में लोग किताब क्यों पढ़े और वो भी आपका लिखा हुआ किताब क्यों पढ़ना चाहिए? स्पीडी ट्रायल के जनक अभयानंद सर माने जाते हैं, ऐसा कहाँ से आपके माइंड में आया कि ऐसा भी किया जा सकता है? देखना, मैं देख रहा हूँ कि सुपर 30 एक बहुत बड़ा आयाम बन गया। पुलिस का ऑफिसर अपना काम करके फिजिक्स पढ़ाना शुरू करे तो ये न्यूज़ हो सकता है। अभी हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, परिचय के मोहताज नहीं है, एक्स DGP अभयानंद सर। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कैसे हैं सर? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सर द्वारा एक बुक लिखा गया अनबाउंडेड और बहुत ही जल्द उसका लोकार्पण होने वाला। अक्टूबर 2013 में एक रैली होती है, BJP के PM कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की रैली, पटना में रैली। इस रैली को हम क्यों याद रखते हैं? लोगों ने कहा गांधी मैदान को भरने की BJP ने क्षमता दिखाई, इसलिए याद रखते हैं। लोगों ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पर BJP के मंच से खुलकर उसी टर्फ पर निशाना साधा गया, इसलिए याद रखते हैं। पर इसको इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि इस रैली पे बम विस्फोट हुए थे। आतंकवादियों ने देश की हारमनी बिगाड़ने के लिए, राजनीतिक दलों के बीच द्वेष को बिगाड़ने के लिए ये बम विस्फोट किए थे। बिहार के उस समय के DGP अभयानंद थे। जल्द ही उनकी आत्मकथा आने वाली है जिसमें वो विस्तार से इस घटना के बारे में बात करते हैं। बिहार पुलिस की पीठ भी थपथपाते हैं कि किस तरह से हमने विद इन 24 आवर्स पूरी कंस्पिरेसी को डिस्क्लोज कर दिया था और जो बम नहीं फटा था उसके बारे में भी पता कर लिया था, गिरफ्तारियां भी हो गई थी। NIA को सिर्फ डॉट्स जोड़ने का काम रह गया था। इसके सबटाइटल्स में आपको बताना चाहता हूँ, सर का बुक है अनबाउंडेड और लिखा हुआ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ लॉ, फिजिक्स, पुलिसिंग एंड सुपर 30। लग रहा है सर ने अपना जर्नी लिखा है। हाँ बिल्कुल, मेरी पूरी ज़िंदगी जो है इसी चार धुरी के चारों तरफ चली है, इसलिए इन्हीं चार विषयों पर जो जो मेरे साथ हुआ उसकी एक विवरणी है और साथ में उससे जो निष्कर्ष निकलते गए वो भी कई चैप्टर्स में बीच बीच में उसको मैंने डाला है। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि लॉ को किस संदर्भ में देखते हैं सर? आपको मैं बताऊं, जैसे सरकार में जितने भी विभाग होते हैं जी, पुलिस भी एक विभाग है जी, वो सभी विभाग और पुलिस में एक खास अंतर है। पुलिस विभाग की उत्पत्ति ही कानून के गर्व से हुआ है जी, पुलिस एक्ट कहते हैं उसको। तो ये किसी भी विभाग पर लागू नहीं होता है, आप हेल्थ लें या कोई भी विभाग लें, इंजीनियरिंग का, उसकी उत्पत्ति सरकार के आदेश से होती है। तो जब हमारी उत्पत्ति ही कानून के गर्व से हुई है तो हमारा जो लालन पालन और उसमें जो कायम करने के का तरीका है वो भी कानून से ही होता है। इसलिए कानून हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई सरकारी आदेश पर नहीं काम होता है, जो काम होना होगा वो कानून के अंतर्गत होगा, सरकारी आदेश भी कानून के अंतर्गत ही होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, बहुत सारे पुलिस अधिकारी जो है कानून से काम न करके सरकार के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी उत्पत्ति अगर हुई है सिर्फ कानून के अंदर तो कोई कारण ही नहीं है कि आप किस कानून के इतर किसी आदेश पर आप अमल करें। मैं आपको बताऊँ, जैसे हेल्थ है तो हेल्थ के भी जितने भी आदेश निकलते रहते हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो किसी कानून के मातहत नहीं होते हैं, वो सामाजिक नियमों के मातहत हो सकते हैं। लेकिन पुलिस में एक खास बात है कि वो जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के अंतर्गत होगी, कानून के बाहर जाके नहीं हो सकती। और इसमें सब टाइटल्स में पुलिसिंग भी लिखा हुआ है सर, तो पुलिसिंग के बारे में क्या लिखा है?
मैंने अपने लाइफ के जर्नी के दौरान एक ही लॉ को, उसी लॉ को जिस तरीके से रूटीन वे में लोग अप्लाई करते हैं, हमने उसको चेंज किया, उसमें नए नए आयाम उसी लॉ में निकाले और उसको अप्लाई किया और हमने देखा कि सक्सीड करता है ये। फॉर एग्जांपल, बेल हो जाता है तो लोग फिर परेशान हो जाते हैं पुलिस वाले की, अब तो बेल हो गया। लॉ में बेल कैंसिल करने का भी प्रावधान है, कभी नहीं यूज़ हुआ, बिहार में ही नहीं यूज़ हुआ, किसी मेरी जानकारी में ज़्यादातर स्टेट में कहीं यूज़ ही नहीं हुआ है। तो आपके दिमाग में कहाँ से आया सर ये पढ़ने के बाद? किताब में तो लिखा ही हुआ है। ऐसा तो नहीं होगा सर कि तमाम जो पुलिस अधिकारी होंगे वो किताब नहीं पढ़ते होंगे? अब अगर किताब पढ़ भी रहे हैं और एकेडमी से तो पढ़ के आते हैं, एप्लीकेशन पुअर है। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को लॉ अप्लाई करना इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, इन द इंटरेस्ट ऑफ ए बेटर क्राइम सिचुएशन, ये आना चाहिए। और ये कोई एक बार में नहीं सीखा जाता है, ये हर सिचुएशन में सोच सोच के अप्लाई करना होता है और हर बार एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। अब बिहार में स्पीडी ट्रायल के जनक अभयानंद सर माने जाते हैं, ऐसा कहाँ से आपके माइंड में आया कि ऐसा भी किया जा सकता है? ये भी अगर आप सच पूछिए तो एक फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, आप अगर किसी को एक थप्पड़ लगाएं तो चोट लगेगी, अगर आप उस थप्पड़ को बहुत आराम से लगाएं, एक साल में उस थप्पड़ को एग्जीक्यूट करें तो कोई चोट नहीं लगती। ये मेरे मन में कई दिनों से था कि ये ट्रायल जो हम लोग कराते हैं वो थप्पड़ लगाने लायक है, अगर सजा हो गई तो थप्पड़ लगा आपको, बट ये थप्पड़ अगर 15 वर्षों में लगा तो उसका इम्पैक्ट नहीं रह जाता है। अगर किसी को आप एक थप्पड़ मारे और बहुत शार्प है, जिससे कि वो हाफ अ सेकेंड में उसका इम्पैक्ट एकदम चला गया तो तिल मिला जाता है आदमी, तो फिर फ़ायदा क्या है उस ट्रायल का जो थप्पड़ की तरह नहीं लग पाया। फिर अभी भी कहीं ना कहीं इसको कम देखा जा रहा है, बहुत कहीं ना कहीं सुस्त हो गया है ये चीज़। अब तो मैं वहाँ हूँ नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने जब तक किया, स्पीडी ट्रायल एक सोच है और उसके उस सोच को डेवलप करने में जो अंदर से कॉन्टेक्स्ट जो कंटेंट था वो जो लॉ को पढ़ करके प्रोसेसेस निकाल ले सकता है। स्पीडी ट्रायल इज़ मोर ऑफ CRPC, तो CRPC के नियमों को अगर एक पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से समझ ले और पढ़ ले और उसको इस्तेमाल करना जाने तो स्पीडी ट्रायल हो जा सकता है। अच्छा, इसमें लास्ट टर्म आता है Super 30, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? Super 30 मेरे ज़िंदगी का एक पार्ट ज़रूर था, बट मैं उसको बहुत बड़ा पार्ट नहीं मानता हूँ। आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि Super 30 एक बहुत बड़ा आयाम बन गया है, और ये शुरुआत हुई थी इसके कि ये कोई IIT JEE के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो लगा जैसे हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से उसकी तुलना की जा रही है। आई थिंक अगर इस लाइन पर इसको लाया जाए, वॉट इज़ न्यूज़, क्या ये न्यूज़ है कि कोई टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है? ये कोई न्यूज़ नहीं है, तो ये बात समझनी होगी। अब कोई अगर पुलिस का ऑफिसर अपना काम करके फिजिक्स पढ़ाना शुरू करे तो ये न्यूज़ हो सकता है। इसको जैसे लोगों ने जर्नलिज्म में कहा है, मैन बाइटिंग अ डॉग एंड अ डॉग बाइटिंग अ मैन, तो डॉग बाइटिंग अ मैन तो आए दिन होता रहता है, बट मैन बाइटिंग अ डॉग ये न्यूज़ है, रेयर केस होता है, ये न्यूज़ है। तो इसी को हमने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की अपने चैप्टर में कि क्या था Super 30। इस बुक का लोकार्पण कब हो रहा है सर? लोकार्पण हमने शब्द नहीं दिया है, कार्ड मेरा छप गया है 20 तारीख के लिए। जो इस फंक्शन का नाम दिया गया है वो है अनबाउंडेड पर परिचर्चा। बहुत प्रबुद्ध लोग हैं जो इस पर परिचर्चा करेंगे पढ़ने के बाद, और कोई विशिष्ट अतिथि नहीं होने वाला है, चर्चाएं होंगी और ओपन चर्चा होगी इस बुक पर। जितने लोग आएंगे LN मिश्रा इंस्टीट्यूट में इसकी इस पर परिचर्चा है 20 तारीख को। और कोई स्पेशल एंट्री है या फिर खुला आमंत्रण है? खुला है आमंत्रण, ऐसे कुछ लोगों को हमने काट दिया है जो लोग इंटरेस्टेड थे इसको पढ़ करके और अपनी बात को रखने में, अदरवाइज़ सीट से ज़्यादा तो लोग नहीं बैठ पाएंगे, बट एनीवे जो लोग आना चाहे वो आ सकते हैं।
क्या लगता है सर, आज डिजिटल युग में लोग किताब क्यों पढ़े और वो भी आपका लिखा हुआ किताब क्यों पढ़ना चाहिए लोगों को? हाँ, इंटरेस्ट हो तो पढ़ें। ऐसे किंडल में भी ये एडिशन है, आप अगर किताब को किंडल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। जो बहुत से लोग अभी भी हैं जो किताब को हार्ड कॉपी में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एज आई सेड किंडल भी है, अमेज़ॉन पर मिल रहा है, दोनों वर्जन मिल रहा है, किंडल एंड हार्ड कॉपी। अच्छा, जो लोग इंटरेस्टेड है बुक ख़रीदने के लिए वो अमेज़ॉन से ले सकते हैं? अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन ही उसको मार्केट कर रहा है। इसके अलावा पब्लिशर्स अब शायद बुक सेलर्स के पास भी दे रहे होंगे इसके में, बट अमेज़ॉन पर ये बुक बहुत रेडिली अवेलेबल है और बहुत फास्ट मिल रहा है। अच्छा, हमारे दर्शकों को इसका प्राइस बता सकते हैं? लिस्टेड प्राइस 595 है जो किताब पर लिखी हुई है। कुछ लोगों ने हमको बताया कि कुछ कंसेशन भी मिला है उन लोगों को, बट एग्जैक्टली कितना है मुझे जानकारी नहीं। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे सर? बहुत से लोगों को पसंद आएगी, बहुत से लोगों को नहीं भी पसंद आएगी। जिनको ऑब्नॉक्शस कहीं लग गया, अगर लगेगा कि नहीं बहुत बेकार वाली बात है, क्षमा प्रार्थी रहूँगा। बहुत धन्यवाद सर अपना। थैंक यू। और इस बुक के बारे में और सर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।